न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बैरोड सर्किल के मानन थाना क्षेत्र में थानाधिकारी मुकेश यादव व हेड कांस्टेबल प्रद्युमन को किया ट्रैप। मिली जानकारी के अनुसार अलवर एसीबी की टीम के एसपी विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। हालांकि अभी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार 25,000 रुपए की रिश्वत लेते थानाधिकारी मुकेश यादव पर एसीबी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रात 8 बजे बाद शराब बेचने के नाम पर थानाधिकारी ने 30,000 रुपए मंथली के रूप में लिए जाना पाया गया है। जब ठेकेदार द्वारा नुकसान होना बताया तो 25,000 रुपए महीने में यह सौदा तय कर लिया गया। एसीबी की टीम अभी कार्रवाई में लगी हुई है। आपको बता दें कि आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे, आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9999852122। बैरोड पंचायत समिति सभागार में प्रधान सरोज बस्तीराम यादव के नेतृत्व में स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। इस दौरान स्वर्गीय राजेश पायलट की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। भी राष्ट्र की मजबूती की भावना उनके दिल में सदैव रहती थी। साथ ही तकनीकी क्षेत्र में उनका योगदान देश सदैव याद रखेगा। साथ ही बताया कि उनके मार्गदर्शन पर आज के युवाओं को चलने की आवश्यकता है। एडवोकेट बस्तीराम यादव ने इस दौरान प्रधान सरोज यादव पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप यादव, पूर्व सरपंच चौताज यादव, डॉक्टर रामशरण गुजर, नरेश यादव सरपंच वेद कृष्णा, जयपाल यादव सरपंच प्रतिनिधि, सुरेश गुजर, रामकिशन गुजर, रोहितास पार्षद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, राजेश पायलट साहब एक बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे। देश में किसानों के मसीहा थे, दलितों पिछड़ों ओबीसी के संरक्षक थे। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन राजेश पायलट साहब का जन्म हुआ था, जो हम गांव और गरीब गुरबे के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था। उन्होंने सब प्रथम कहा था कि आरक्षण का लाभ पिछड़ों को मिलना चाहिए, और जब तक देश का गरीब और किसान का बेटा उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जिन कुर्सियों के माध्यम से देश की नीति निर्धारित होती है, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। असली विकास उस दिन होगा जब देश की नीति निर्धारण करने वाले पदों पर गांव का और गरीब का पिछड़ा लड़का बैठेगा। मैं समझता हूं कि राजेश पायलट साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक सपना देखा था, और जब वो अपने भाषण में कहा करते थे कि हम देश में कंप्यूटर की क्रांति लाएंगे, देश में टेलीफोन का युग लाएंगे, और एक ऐसा यंत्र लेकर के आएंगे जो बिना तार का यंत्र होगा, बॉर्डर पे बैठा जवान अपने घर पे बात कर सकेगा, खेत में मजदूर काम करने वाला आदमी अपने घर पे बात कर सकेगा, खान में मजदूर करने वाला मजदूर अपने घर पे बात कर सकेगा, तब मजाक लगती थी। और जब कंप्यूटर की और टेलीफोन की और मोबाइल की जब बात करते थे, तब आडवाणी जी और अटल जी मजाक किया करते थे कि ये जीन्स पहनने वाले लड़के राजेश पायलट और राजीव गांधी इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये कंप्यूटर और मोबाइल ला करके देश में बेरोजगारी पैदा कर देंगे, क्योंकि एक आदमी का 100 आदमी का काम एक आदमी जब कर देगा तो बेरोजगारी पैदा होगी। आज वो सपना साकार हो रहा है कि बिना मोबाइल क्रांति के, बिना कंप्यूटर के देश में कुछ नहीं है। आज से बूथ पे चले जाएं, डेयरी पे चले जाएं, फैक्ट्री में चले जाएं, उद्योग में चले जाएं, निजी दफ्तरों में चले जाएं, सब जगह मोबाइल क्रांति और इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब वो संचार मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने ये सपना लिया था। उनकी देन है कि आज देश दिन
दोनी रात चौगनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका और विदेशों में इंग्लैंड में हमारे देश के कंप्यूटर इंजीनियर मोबाइल क्रांति के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। मैं आज उस महान व्यक्तित्व को उनके जन्मदिवस पर सत सत नमन करता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनके बताए हुए आदर्शों पर अपने आप को चलना सीखें। मैं पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग राजेश पायलट साहब के कार्यशैली से, उनके व्यवहार से, उनकी नीतियों से आज पूरा देश प्रभावित है। हमको उनके रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से ये तो किसी से छुपा नहीं है कि पायलट साहब बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि संचार क्रांति टेक्नोलॉजी जो आई देश में, सबसे पहले राजीव गांधी जी और पायलट साहब के ही निर्देशों के और उनकी सोच के हिसाब से ही आई और आज देश जिस हिसाब से चल रहा है इस टेक्नोलॉजी के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ दिन हंसी के पात्र रहे लेकिन आज सब कुछ इसी टेक्नोलॉजी पे निर्धारित है, चाहे इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो। और बाकी तो गरीब गुरके के तो संरक्षक थे ही, साधारण परिवार से थे, किसान मजदूर परिवार से थे और किसान मजदूरों के लास्ट तक मसीहा रहे हैं। और उनकी जो सोच और व्यवहार ऐसा था कि आज भी हमको प्रेरित करता है कि हम उनके आदर्शों पे, उनके व्यवहार के अनुरूप चलें। राजस्थान की नंबर 1 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी नारनौल रोड बहरोड, जहां दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच प्रारंभ, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग की स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ दोस्तों, मैंने कई डिफेंस एकेडमी में जाकर देखा है लेकिन प्रॉपर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में ड्राइविंग स्कूल की जो तैयारी होती है वहाँ अन्य डिफेंस एकेडमी में नहीं करवाई जाती है। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में हमारे को दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अफसर द्वारा कई नियम और कानून का सिखाए जाते हैं। अब आपके सितारे भी चमकेंगे सरकारी नौकरियों में, जहाँ नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी सहित तमाम कॉम्पिटिशन टेस्ट की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन फिजिकल की तैयारी। निदेशक जेपी शास्त्री, मैनेजर सुभाष सक्सेना। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।